नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर शहर में नकली नोटों का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं कनाड़िया पुलिस ने 3 लाख के नकली नोटों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से प्रिंटर, नोट छापने की स्याही, पेपर व नकली नोट पुलिस ने जब्त किए हैं। दरअसल इंदौर की कनाड़िया पुलिस को लगातार कुछ समय से मुखबिर द्वारा सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा नकली नोट बनाकर इंदौर के आसपास के गांव व देहाती क्षेत्र में चलाया जा रहा है। वहीं एसपी विजय खत्री ने बताया कि पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी, जिस पर मुखबिर तंत्र को आरोपियों के पीछे लगाया गया था, जिसकी सूचना पर कनाड़िया पुलिस ने खजराना सीएसपी द्वारा घेराबंदी कर 4 अपराधियों को पकड़ा है, जिनके पास से कंप्यूटर, प्रिंटर, स्याही व कागज, जिसे नोट का रूप देकर नकली नोट बनाकर चला रहे थे, उनसे 3 लाख के नकली नोट बरामद कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि नोट बनाकर वह आसपास के देहाती क्षेत्रों में चलाते थे। फिलहाल एसपी विजय खत्री द्वारा पकड़ने वाली टीम की प्रशंसा करते हुए 10,000 रुपए देने की घोषणा भी की है। थाना कनाड़िया में विगत कुछ दिनों से ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ लोग नकली नोटों को गांव में, देहातों में खपा रहे हैं। मुखबिरों को चौकन्ना किया गया और पतासाजी की गई, तो पता चला कि कुछ लोग कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है उससे स्कैन कर करके और फोटोकॉपी कर करके और प्रिंट बना करके और गांव में खपा रहे हैं। इस आधार पे कनाड़िया पुलिस, सीएसपी खजराना अनिल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में उन्होंने अच्छी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कंप्यूटर, प्रिंटर और स्याही के अलावा जिस कागज़ से वो नोट प्रिंट कर रहे थे, वो कागज़ के साथ करीब 3 लाख के छपे हुए नोट उनके पास से बरामद हुए हैं, जो कि काफ़ी प्रशंसनीय कार्रवाई है। इसके लिए मैं थाना कनाड़िया और टीम में जिन लोगों ने काम किया, उन सबको 10,000 रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा। सर, कहाँ से पकड़ में आए, कौन आरोपी, कहीं बाहर के, इंदौर के हैं आरोपी? ये इंदौर के ही हैं और विगत कुछ दिनों से लगातार कार्रवाई कर रहे थे, इनको पकड़ा है कनाड़िया पुलिस ने। ठीक, इसे बात कर लो तो यही दे देंगे। पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।